Good morning to all my dear students of class 3. Today I am here to teach you the subject moral values. आज हम moral value का chapter number 12 देखेंगे इस video में. So let's start the page number. 49 page number, the disobedient son. The disobedient son यानी कि एक अवज्ञाकारी पुत्र या फिर अवज्ञाकारी पुत्र भी कह सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. वंस देयर वॉज अ रिच फार्मर, एक समय की बात है, इन अ विलेज. एक रिच यानी कि बहुत ही संपन्न किसान कहाँ रहता था, एक गांव में रहता था. वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, उसके पास बहुत से पैसे थे. ही हैड अ लॉट ऑफ लैंड, कैटल, मनी एंड मेनी सर्वेंट्स. उसके पास बहुत ही ज्यादा लैंड यानी कि जमीन थी, कैटल यानी कि बहुत सारे उसने पशु पाल रखे थे जानवर, मनी यानी कि पैसा भी बहुत सारा था उसके पास, और बहुत सारे नौकर चाकर थे. ही हैड टू सन्स, उसके दो पुत्र थे यानी कि दो बेटे थे. ही लेड अ हैप्पी लाइफ विद देम, और वो उनके साथ बहुत ही खुशी खुशी लाइफ स्पेंड कर रहा था, जीवन बिता रहा था. आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल के बाद, द यंगर ऑफ द टू सन्स बिकेम अनहैप्पी, तो जो छोटा बेटा था वो दुखी रहने लगा, निराश रहने लगा. ही आस्क हिज फादर फॉर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, और उसने अपने पिताजी से अपने वसीयत के हिस्से के लिए मांग की, मतलब अपने फादर से प्रॉपर्टी यानी कि वसीयत, जो भी पिता की कमाई हुई संपत्ति है उसमें से हिस्सा लेना, शेयर यानी कि हिस्सा, भाग. तो उसने अपने पिताजी से उनकी वसीयत में हिस्सा मांगा प्रॉपर्टी में. हिज फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू डिमांड लाइक दैट, और उसके फादर यानी कि पिता ने एडवाइज्ड यानी कि सलाह दी, समझाया उसे, अपने बेटे को, कि तुम ऐसी कोई डिमांड यानी कि ऐसे कोई मांग मत करो, ये ठीक नहीं है. हिज मदर ऑल्सो एडवाइज्ड हर सन नॉट टू डू सो, और उसकी माँ बेटे की, उसने भी अपने बेटे को, छोटे बेटे को बहुत समझाया कि तुम ऐसा मत करो बेटा. बट ही वुड नॉट लिसन टू हिज पेरेंट्स वर्ड्स, लेकिन जो छोटा बेटा है उसने अपने पेरेंट्स की एक भी बात नहीं सुनी. ही गॉट हिज शेयर एंड सोल्ड, और उसे अपने हिस्से की जगह, जमीन, जायदाद मिल जाती है, और वो उसे क्या कर देता है, सोल्ड यानी कि बेचना. ही हैड अ ह्यूज अमाउंट विथ हिम, और उसे उन सब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्या मिलते हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बहुत सारा मनी मिलता है. वंस ही गॉट मच मनी, जैसे ही उसे ढेर सारा पैसा मिलता है, ही गॉट बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, तो जिसके पास पैसा है तो उसे बुरी संगत तो जल्दी ही मिल जाती है. तो जैसे ही उसके पास खूब सारा पैसा आ जाता है छोटे सन के पास, तो उसे बैड कंपनी यानी कि बुरी संगत के दोस्त मिल जाते हैं. विथ दिस अमाउंट ही ट्रेवल टू अ डिस्टेंट, और उन पैसों के साथ वो कहाँ की यात्रा करने के लिए निकल जाता है, फॉरेन की यात्रा के लिए वो निकल जाता है, बाहर विदेश जाने के लिए. नेक्स्ट पेज पर जाएंगे. जैसे ही वो अदर कंट्री में जाता है ट्रेवल करके, वेयर ही डिड ऑल ही विश्ड, और वहां जाके वो अपनी सारी इच्छाओं, अपनी सारी इच्छा को पूरी करता है, विश्ड यानी कि इच्छा, जो जो वो करना चाहता था. ही हैड अनदर बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, और वहां उसे और भी बुरे संगत वाले दोस्त मिल जाते हैं. देयर एज वेल बिकॉज ऑफ दिस ही फेल इन टू इविल वेज, और बुरी संगत के साथ, बुरे दोस्तों के साथ में उसके जो दोस्त होते हैं वो बुरी संगत वाले दोस्त होते हैं, गलत दोस्त होते हैं. तो बुरी संगत के दोस्तों के साथ रह करके वो भी उनके साथ रह रह के इविल यानी कि बहुत ही बुरा बन जाता है. ऑल द मनी हैड गॉन, उसके सारे पैसे क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं. ही बिकेम पुअर, फिर से वो क्या बन जाता है, गरीब बन जाता है. एट दैट टाइम, और उस समय क्या होता है, नो वन हेल्प्ड हिम आउट ऑफ बैड कंपनी, और उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता है कि जो उन्हें उस बुरी संगत के दोस्तों से निकाल सके. सून ही फेल इन टू डेब्ट, और जल्द ही वो कर्ज में डूब जाता है. डेब्ट यानी कि कर्ज, हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो एक तरह से डेब्ट हो गया, यानी कि हमने उससे पैसे कर्ज में लिए हैं, वो हमें क्या करने होंगे, लौटाने होंगे. देन ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड रिटर्न टू हिज कंट्री टू हिज पेरेंट्स, धीरे धीरे उसे ये बात समझ आ गई, उसकी गलती का उसे एहसास हुआ, तो वो रिटर्न यानी कि वापस आ गया, कहाँ, कंट्री यानी कि अपने देश वापस आ गया, किसके पास, अपने पेरेंट्स के पास, अपने माता पिता के पास. ही afterwards obey his parents and led a happy life, और आने के बाद उसने क्या किया, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से
माफी मांगी अपने माता पिता और अपने भाई से, और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहने लगा, खुशी खुशी रहने लगा। ऑल ओवर द स्टोरी हमें क्या इससे मोरल समझ में आता है, स्टोरी का मैजिक वर्ड क्या है हम देखेंगे। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें कभी भी अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारा हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। कभी भी किसी के भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। आज का होमवर्क है आपका, आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे घर पे अच्छे से। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, ए रिच डैश हैड अ लॉट ऑफ लैंड, कैटल, मनी एंड मेनी सर्वेंट्स, फादर फार्मर, मर्चेंट, लैंडलॉर्ड। आंसर है फार्मर। सेकेंड, द यंगर सन आस्क हिज डैश फॉर हिज शेयर ऑफ अ प्रॉपर्टी, फादर फार्मर, मर्चेंट, लैंडलॉर्ड। आंसर है फादर। थर्ड, विथ दिस अमाउंट द डैश सन ट्रेवल टू अ डिस्टेंस कंट्री, यंगर, ओल्डर, एल्डर, मेन। आंसर है यंगर। फोर्थ देखेंगे, द यंगर सन आफ्टरवर्ड्स ओबेड हिज डैश एंड लेड अ हैप्पी लाइफ, टीचर, मदर, ब्रदर, पेरेंट्स। आंसर इज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से एट द एंड में माफी मांगता है। बी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, अ रिच फार्मर हैड डैश सन्स, 3, 2। आंसर है 2। सेकेंड, आफ्टर फ्यू ईयर्स द डैश ऑफ द टू सन बिकेम अनहैप्पी, ओल्डर, यंगर। द आंसर इज यंगर। थर्ड, द यंगर सन हैड अ डैश अमाउंट विथ हिम, ह्यूज, बिग। द आंसर इज ह्यूज। फोर्थ, नो वन हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द डैश कंपनी, बैड, गुड। द आंसर इज बैड। सी, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, अ फार्मर हैड अ लॉट ऑफ लैंड एंड मनी, ट्रू। सेकेंड, द मदर ऑफ सन एडवाइज्ड हिम टू कलेक्ट हिज शेयर, फॉल्स। थर्ड, द सन हैड अ ह्यूज अमाउंट विथ हिम, ट्रू। फोर्थ, द सन हैड बैड कंपनी, ट्रू। ओके, सो द एक्सरसाइज पार्ट विल बी ओवर। आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास, हैव अ ग्रेट डे चिल्ड्रेन,